हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये दिल्ली सरकार के द्वारा इशू किया गया पैम्पलेट, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं पहले तो ये बता दूं कि जो बच्चे एट्थ में हैं इस समय वो नाइन्थ में ले सकते हैं एडमिशन इस स्कूल में। ये स्पेशलाइज स्कूल है, स्पेशलाइज का मतलब समझते हो, मॉडर्न जमाने की हर प्रकार की इसमें फैसिलिटी होगी। और जो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उनके रिगार्डिंग वीडियो। जो इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जानते हो कि पहले प्रतिभा विकास विद्यालय होता था, अब उनको स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में बदल दिया गया और भी बहुत सारे स्कूल इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने स्कूल हैं, क्या क्या इसमें, और क्योंकि बहुत से बच्चों को इस बात को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर मुझे आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है तो मैं क्या लूँ, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरूँ। मैंने ऑनलाइन फॉर्म की भी वीडियो बना रखी है, पूरा डिटेल में बता रखा है, फॉर्म भर के भी दिखा रखा है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। और इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, ये नहीं सभी का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। एक बात और कि इसमें पहले ये था, इस साल के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट कर दिया गया है। पहले ये था कि केवल और केवल वही बच्चे एडमिशन ले सकते थे कि जिनकी एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया था कि उतनी परसेंटेज होगी तभी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन इस साल इतना बड़ा फैसला लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा कि बस बच्चा 8वीं में पास होना चाहिए और 10th क्लास के अंदर बच्चा सिर्फ पास होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। एंट्रेंस एग्जाम में जो रिजर्वेशन है SC ST OBC जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसको अगर उसमें नंबर आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ लिस्ट में तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, आप अभी से तैयारी कर लो अगर आपने अपना भविष्य इसमें बनाना है तो। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मैं इसमें आपको पूरा दिखा रहा हूँ। देखिए 31 स्कूल है, 5 प्रकार की चीजों में स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर और 10 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पार्टनर्स हैं जो इसमें पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको पूरे वर्ल्ड लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और एक विजन ऑफ एक्सीलेंस के साथ है ये इसमें लिखा हुआ बता रखे हैं। इसकी खास बात क्या है, वही देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका वर्ल्ड क्लास होगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा मॉडर्न जमाने की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो मिलनी चाहिए बच्चों को, जो जिससे उसका भविष्य बहुत अच्छा हो सके। अगर आप दूसरी क्लासेस के भी स्टूडेंट हैं तो पहले से इसको देख लें और अच्छे से उसके ऊपर लग जाएं क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होगा, सुन ले मेरी बात। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के साथ इसकी पार्टनरशिप है, पूरी तरीके से ये वैलिड है। जो डी और पता है आपको दिल्ली में एक अलग बोर्ड बना हुआ है DBSC, तो उसके अंतर्गत ये आता है और इसकी जो वैल्यू है ना पूरी सेम है जितनी CBSE की वैल्यू होती है। जैसे CBSE बोर्ड है ना उसकी वैल्यू है ना बिल्कुल सेम, इसकी भी उतनी वैल्यू है। ठीक है, पूरी तरह से एफिलेटेड है, मान्यता प्राप्त है ये भारत सरकार में, दिल्ली सरकार के द्वारा इसे जीके चलाया जा रहा है, समझ में आ गया, मतलब भारत देश में है ना, तो दिल्ली के अंदर ये चल रहा है केवल अभी। तो अब देखो इसमें कौन कौन से हैं। पहला ह्यूमैनिटीज SOSE यानी कि सोस, तो अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं ये देखो मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। ये देखिए आप लॉयर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, शिक्षक, अर्बन पार्टनर बन सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोफेशनल बन सकते हैं और ये इसके अंदर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मतलब वकील आपको बनना है, मतलब आर्ट्स, अगर जैसे आप आर्ट्स कहते हैं आर्ट्स, तो आर्ट्स के अंदर ये सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे पर इसके अलावा ह्यूमैनिटीज में, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, शामिल हो जाते हैं भूगोल, राजनीति, आपको जो पसंद होगा ना उसमें सब्जेक्ट के ऑप्शन भी होंगे, बाकी एक्स्ट्रा भी इसके अंदर होंगे, जो NCERT की बुक है वो भी इसमें होंगी, ये नहीं कि पूरी NCERT खत्म कर दी जाएगी और एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी। खास बात ये होगी कि बेहतर ढंग से इसमें कराया जाएगा आपको, उसके प्रैक्टिकल अगर होते तो प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारी इसमें फैसिलिटी है, ऐसे ही ये आप पढ़ लेना कि क्या क्या इसके अंदर है। उसके बाद होता है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स SOSE। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर आप जैसे फिल्म में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप ड्राइंग में बहुत बड़ा हुनर हासिल करना चाहते हैं, म्यूजिक के अंदर आप जाना चाहते हैं, पेंटिंग, ये सब उनके लिए, जैसे सिंगर बनना चाहते हैं आप, तो इसमें इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ना आप बनकर ही रहोगे ये समझ लो, बस मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर बन सकते हो आप, डायरेक्टर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, इतनी बड़ी इसके अंदर काम किया जा रहा है, तो आप मौका मत खोना, एक बार जरूर अप्लाई करना, मेहनत करना और सफल हो जाना। उसके बाद दूसरा है इसके अंदर आगे का, ये पहला हो गया ना, ये मैंने आपको पहला बता दिया, ठीक है, ये पहला बता दिया, फिर मैंने आपको दूसरा बता दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पर जो इसके बारे में यहाँ पर जो स्टैम है, ये साइंस साइड के स्टूडेंट्स आप कह सकते हो, अगर आप साइंस साइड ले रहे हैं ना
तो ये साइंसर्स के लिए है। तो इसमें आप क्या क्या बन सकते हैं, देखो कंसल्टेंट बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे ना जब आपका एडमिशन होगा उसके बाद होगा ये जो भी होगा, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, लैब्स पूरी तरह से मॉडर्न होगी बच्चों, ऐसी ऐसी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे आप सोच नहीं सकते। तो जरूर जरूर लो, इतना मौका मिल रहा है उसको गंवाना मत, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि अब इस साल देखो 31 है तो अगले साल और स्कूल बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो 31 स्कूल है ना, और मैंने ये भी वीडियो बनाई थी कि कौन सा स्कूल कहाँ कहाँ पर है। आप पुरानी वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट मिलेगी बहुत सारी सोर्स रिलेटेड, आप सब देखो उसमें बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, इससे क्या क्या बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो आप, डेंटिस्ट बन सकते हो, नर्सिंग, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप देख लो, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्ड। इसमें कॉमर्स वाले बच्चे बहुत से पूछ रहे थे कि सर कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कौन सा लें, तो आप इसमें कॉमर्स का भी कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर मतलब आप अपना बिजनेस खुद खोल सकते हो, अपना बिजनेस जैसे आप चलाना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो इसमें इस प्रकार की एजुकेशन दी जाएगी, समझो। ग्राफिक डिजाइनर का काम है इसमें, शेफ का काम है इसमें, ठीक है, और फूड स्पेशलिस्ट का काम है। वो आपके ऊपर ना सब्जेक्ट कैसे चूज करते हो, जो भी वगैरह आपके जो इसमें इंटरेस्ट है। अब 9वीं तक तो आपको सबको एक जैसा पढ़ाया जाएगा, इस प्रकार के लेवल पढ़ाया जाएगा, ताकि आप जब 9वीं 10वीं में, फिर जब आप 11वीं में जाओगे तो उस हिसाब से फिर आपका सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे, उसी फील्ड के अंदर रहोगे आप। जैसे अगर आपने ये चूज कर लिया तो उसी फील्ड के अंदर आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे 9वीं वाले बच्चे अगर लेते हो तो एडमिशन, ठीक है। और कौन कौन से इस साल 9वीं के लिए ओपन है कोर्सेज, क्योंकि हर क्लास के लिए अभी नहीं है, मतलब 9वीं जो 11वीं में भी है, और कौन कौन से 11वीं के लिए, वो भी मैंने वीडियो बना रखी, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद ये है लास्ट, ये आर्म फोर्सेस है, ठीक है। प्रिपेटरी स्कूल मतलब कहने का है कि जो आर्मी में जाना चाहते हैं, फोर्स एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। सुन ले मेरी बात, देखो कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पर, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की एजुकेशन होगी, मतलब पूरी तरह से जो हमारे तीन प्रकार की सेना है ना, उसके अंदर आप बड़े हेड पद पर भी जा सकते हो, इतनी प्रकार की फैसिलिटी देगी। देखो इंडियन मिलिट्री अकादमी, इंडियन नेवल अकादमी, ये सब इसके साथ अटैच होंगे, तो उसके बाद आपको उसी फील्ड में करके ना आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। तो होप, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर आया था, ठीक है, और आपको एक एक चीज समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जैसे आपके आपकी माइंड सेट कितना है, मतलब कहने का कि रीजनिंग कितनी अच्छी है आपकी, जनरल अवेयरनेस आपकी कितनी है, और जो आप चीज लेना चाहते हैं उसमें आपका कितना हुनर है, उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन बनेंगे। और एमसीक्यू आएगा, आपको उस सेंटर पर जाकर पेपर देना होगा, ऑफलाइन होता है ये, ऑनलाइन नहीं होगा। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, अभी इसके लास्ट डेट 28 फरवरी है, ठीक है, और आप जल्द से भर दें, ठीक है। और कोशिश करना कि फॉर्म बिल्कुल गलत ना हो, और अगर गलत हो जाता है तो वैसे हर साल डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे डिलीट का ऑप्शन, डिलीट करके नया फॉर्म भर सकते हो आप, 26 तक वेट कर लेना अगर किसी का गलत हो गया होता, उसके बाद फिर आप समझ जाना कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है भाई, आप छोड़ेंगे थोड़ी, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं ना, आप समझ जाना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, और अपना पूरा आप ध्यान रखना, ठीक है, और खूब पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो आर्मी वाला ना, एक बात, बहुत से बच्चों ने तो वीडियो रोक भी दी होगी, ठीक है, ये जो आर्मी वाला ना, इसके लिए पूरे आर्मी की एजुकेशन ही होगी, क्योंकि ये अलग अलग फील्ड है, ठीक है। अगर आप ये ले रहे तो यही प्रकार के आपके सारे सब्जेक्ट वगैरह होंगे शुरू से, ठीक है। 9th और 10th में तो आपका बेसिक होगा, जो एनसीईआरटी का होता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, 9th तक में वही होंगे, लेकिन इसकी खास बात यह कि इसमें आपको वहीं पर हॉस्टल फैसिलिटी है, आप वहीं पर ही रहोगे, ऐसा भी इसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर आप अपडाउन कर सकते हो तो वहां पर वो भी फैसिलिटी होगी, ये इसके अंदर ये भी है, ठीक है। जैसे कोई बच्चे कहेंगे कि पूरी दिल्ली में इस बार 31 में केवल एक ही है, 31 स्कूल में केवल अभी एक ही है, तो इसमें बहुत सारे, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल होगा, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल होगा, ठीक है। चलो अब थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर सर, बाय।